मैं 2013 में एक वीडियो बनाई थी जिला कोडरमा प्रखंड डोमचांच के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूर्णाडी का, जिसमें चार दीवारी, पानी, शौचालय, मध्याह्न भोजन का समस्या था। स्कूल में क्या क्या समस्या है बताओ? खेलने का सामान नहीं है, स्कूल में बाउंड्री नहीं है, कोई लकड़ी चुरा लिया जाता है, कोई कोयला चुरा लिया जाता है। कोयला वगैरह सब बाहर रहता है? नहीं, अंदर रहता है, ताला तोड़ लेता है। अभी चोरी हो गया है डेक, सभी बच्चों के बर्तन चोरी हो गया, फिर नया बर्तन आया है, इसीलिए बोले कि बाउंड्री लगवाने के लिए, लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं हुआ है। चापाकल अभी बनाने बोल रहे हैं, तो देखिए अभी नदी का पानी पी रहे हैं, किसी का बच्चा के तबीयत खराब, किसी का तबीयत खराब हुआ है यहाँ पानी पीने से? किसका नहीं, सभी का हुआ है। वीडियो बनाने के बाद उस गाँव के यानी पूर्णाडी गाँव के मुखिया से बातचीत की, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बातचीत की। जिस शिकायत को अपने मेरे पास आज से कुछ महीने पहले आपने उसको एक वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाया था, इस पर जो है हम तुरंत एक्शन लेते हुए स्कूल का निरीक्षण किया। वहाँ पर जितने टीचर थे, प्रभारी थे और संबंधित पीओ को मैंने इस संदर्भ में निर्देश दिया। 6 माह के बाद वहाँ बाउंड्री बनना शुरू हुआ और आधा बाउंड्री बन गया, उसके बाद चापाकल भी बन गया। इसी बीच गांव वाले लोग इस पे विवाद किए, स्वास्थ्य केंद्र और मंदिर को अंदर करते हुए चार दीवारी करना पड़ेगा, और कुछ बाउंड्री हुआ था वो तोड़ दिया। बाहर बाहर से करने के लिए कह रहा है, मंदिर, ग्राम पंचायत, भवन, सभी को अंदर कर दीजिए। तो आप लोग के क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम है, विद्यालय सुरक्षित नहीं है, बाउंड्री गिरा दिया गया 200 फीट लगभग, 2 लाख के लगभग में जो है सो नुकसान हुआ, ईटा वटा सब चोरी हो गया। लेकिन FIR होने के बाद भी जो मैं लिखित शिकायत थाना से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक दिया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग अपने बलबूते पर जो है गांव से झगड़ा लेकर जो सो जैसे तैसे जिस तरह से जैसे वो अपना ताकत लगा के चार दीवारी का निर्माण करवाए। आज गांव के लोग भी जो है सो बोलते हैं, जो विवाद उस समय कर रहे थे वो लोग भी बोलते हैं कि अच्छा हुआ, उस समय उसको अच्छा नहीं लग रहा था, अभी वह भी बोलता है कि अभी जो सो ये अच्छा हुआ, अभी चार दीवारी बन जाने से हम लोग अपने आप में सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोग का पठन पाठन में भी जो सो क्रियाकलाप में भी हम लोग को जो सो अच्छा लग रहा है, बहुत सुधार हुआ। जब आप वीडियो लिए थे और हम लोग आने की क्लास में आए थे, सारा वीडियो लिए थे, सारा प्रॉब्लम हम लोग बताए थे, तो सारा प्रॉब्लम का सलूशन हो गया है। और आप भी हम लोग को मैंने विद्यालय सुचारू रूप से चलाने के लिए, बच्चों को भी उत्साह बढ़ाने का आपने काम किया, इसके लिए मैं भी धन्यवाद देता हूँ आपको। सितंबर 2015 में यह समस्या का समाधान हो गया और उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री जय प्रकाश यादव और प्रखंड विकास पदाधिकारी और जितने भी इस कार्य में सहयोग करने वाले अधिकारी सभी को मैं वीडियो वॉलेंटियर्स के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं विनती विश्वकर्मा, जिला कोडरमा, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।